देखिए वो तस्वीर मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये वही शख्स है सत्येन जैन, जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी जिंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये वही सत्येन जैन है जिनके पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, और पिता की मृत्यु के 2 दिन के बाद वो फील्ड में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, तालियां पीट सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं, खुश हों, अच्छी बात है, लेकिन ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक सोच का है, जो कहता है कि जब तक मंदिर में पूजा नहीं कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, 1 साल से उसने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। 37 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर प्रताड़ित करके मारना चाहती है हम लोगों को, तो मैंने मोदी जी के सामने पहले भी प्रस्ताव रखा था, आप लोगों के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल से अगर इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी से अगर इतनी ज्यादा नफरत है, तो ऐसी प्रताड़ित मत करो। हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जो पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के समय में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दिल्ली वालों की सेवा कर रहा था, आप ऐसे आदमी को खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो, ताली पीट रहे हो, हाँ देखो इसका वजन कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल मरणासन्न हो गया, ये तो बेचारा एकदम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वक्त है, समय है, हम लोग भी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, क्रूरता की भी पराकाष्ठा होती है, इतनी क्रूरता मत करो, ये अच्छी बात नहीं है।